आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में भुना हुआ मलाई चिकन बनाएंगे और साथ में खमीरी पूड़ी भी बनाएंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त लगता है। इनको बनाने का मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगी, तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके लिए 1 किलो चिकन लिया है, इसको देखिए इतने छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया है। इसको धोने के बाद करीब आधे घंटे के लिए चन्नी में रख देंगे, जिससे क्या होगा इसके पानी अच्छे से निचड़ जाएगा। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, इसमें 200 ग्राम दही डालेंगे, ये मैंने खट्टा दही लिया है। इसमें 1 कटोरी मलाई डालेंगे, अगर आप चाहो तो इसमें मलाई की जगह पैकेट वाली क्रीम भी डाल सकते हो। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि इस तरीके से हैं। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच पिसी हुई हल्दी है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 चम्मच प्लेन जीरे का पाउडर है और 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च है। इन सभी मसालों को भी इसी में डाल देंगे। इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे, अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद है तो आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नींबू का रस डाल लें। अब इनको हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको ढककर करीब 1/2 से 1.5 घंटे के लिए एसी छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा गोश्त अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अब इसको साइड में रख देंगे। अब ये 1 प्याज ली है, 5 हरी मिर्च ली है, 10 से 12 कली लहसुन के लिए है, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और करीब 10 से 12 बादाम लिए हैं। इनको जार में डाल देंगे, जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। इनको देखिए इतना बारीक पीस लेंगे। अभी जार को साइड में रख देंगे। अब पूड़ी के लिए आटा लगाएंगे, इसके लिए 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 1 कटोरी मैदा लिया है। इनको तसले में डाल देंगे, इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें बेकिंग पाउडर की जगह 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। इसमें 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे। इनको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसका थोड़ा मीडियम सा डो लगा लेंगे। ये आटा ना ही तो ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। इसका देखिए इस तरीके से थोड़ा मीडियम सा डो लगा लेंगे। इस पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब इसको भी ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब सालन बनाएंगे। सालन बनाने के लिए कढ़ाई ली है, इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। करीब 4 से 5 इलायची लेंगे, इनको कूटकर इसमें डाल देंगे। अब इसमें गोश्त को डाल देंगे। इसको हल्का सा चलाएंगे। अब हमने जो पेस्ट बनाया है इस पेस्ट को भी इसी में डाल देंगे। इनको अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसको ढकेंगे नहीं, हाई फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे, जिससे क्या है सालन तले में चिपकेगा नहीं। इसकी देखिए भुनाई भी हो गई है। इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब कढ़ाई को ढक देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको करीब 5 से 7 मिनट पकाएंगे और गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। इसको पकते हुए करीब 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हाई फ्लेम पे थोड़ी देर और भुनाई करेंगे। मैं इसको खमीरी पूड़ी के साथ सर्व करूंगी।
अगर आप चाहो तो इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, ब्रेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। ये सभी चीज़ों के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप चाहो तो इसको स्टार्टर की तरह डायरेक्ट ऐसे ही सर्व कर सकते हो, ये डायरेक्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है। इसकी देखिए बुनाई भी हो गई है, अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखा आपने हमारा कितना बढ़िया सालन बना है। अब इसको ढककर साइड में रख देंगे। आटे को भी भीगते हुए करीब आधे से पौन घंटा हो गया है। अब आटे को चेक करेंगे। ये आटा देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हल्का सा और गूंदेंगे। अब इसमें से अपनी पसंद के हिसाब से पेड़े बनाएंगे। हमें जितनी बड़ी पूड़ी बनानी है उसी हिसाब से पेड़े बना लेंगे। मैं इसके देखिए इतने बड़े बड़े पेड़े बना लूंगी। अब इस पर हल्का सा सूखा मैदा या फिर आटा लगाएंगे। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब इसको बेल लेंगे। मैं आपको इस रोटी को भी चेक करके दिखाना चाहूंगी। इसकी देखिए इतनी पतली रोटी बेल लेंगे। ये मैंने 3 से 4 रोटी बेल ली हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है, इसमें से धुआं आने लगा है। अब इसमें पूड़ी को डाल देंगे। इसको झजरी की हेल्प से इस तरीके से हल्के हाथ से दबाएंगे। ये पूड़ी देखिए कितने बढ़िया तरीके से फूल गई है। अब इसको पलट देंगे और इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। ये पूड़ी दोनों साइड से सिक गई है। अब इसको निकाल लेंगे। अब हमें जितनी भी पूड़ी चाहिए इसी तरीके से बना लेंगे। ये पूड़ी बनाने का भी मैंने आपको कितना आसान तरीका बताया है। यकीन मानिए इस तरीके से हमारी एक भी पूड़ी खराब नहीं होगी। आप चाहे कितनी भी पूड़ी बना लें, सभी पूड़ी फूलेंगी। मैं इनको भुने हुए चिकन के साथ सर्व करूंगी। आप इनको छोले की सब्जी के साथ, आलू की सब्जी के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व करें। ये सभी चीजों के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। ये मैंने थोड़ी सी पूड़ी बना ली है। ये देखा आपने हमारी कितनी बढ़िया फूली फूली पूड़ी बनी है। इनको देखिए इस तरीके से सर्व करेंगे। लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। और यकीन मानिए ये हमारी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। और मेरे कहने पे आप भी इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको भी जरूर पसंद आएगी। बाय अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।